Hello students, today we will start the topic student plastic role. I am Sarika Sahu, assistant professor in Bharati College of Pharmacy. So students, in last lecture we discussed the I have told you the types of flow, okay. So non-Newtonian fluids, so Newtonian fluids we have studied, okay. Then non-Newtonian fluids we have plastic flow we discussed kar chuke hain, okay. प्लास्टिक फ्लो डिस्कस नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो है फ्लो जो है थ्री टाइप्स के हैं, ठीक है. प्लास्टिक फ्लूइड्स, डायलेंट फ्लूइड्स एंड शुडो प्लास्टिक फ्लूइड्स, ठीक है. तो लास्ट लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू द प्लास्टिक फ्लूइड्स, ओके. सो इन इन दिस लेक्चर शुडो प्लास्टिक फ्लो वी हैव डिस्कस. सो शुडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है. शुडो मीन्स यानी कि प्लास्टिक जैसा ही ये एक्ट करते हैं बट पूरा नहीं, ठीक है. तो शुडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, शुडो प्लास्टिक फ्लो को हम ऐसे जानते हैं कि जब हम कोई गाढ़ी चीज लेते हैं, ठीक है, गाढ़ी चीज को हम लगातार लगातार उसको स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि उसकी विस्कोसिटी में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. वो एक कंटिन्यूस चेंज नहीं आता है, ठीक है. वो कॉन्स्टेंट चेंज नहीं आएगा उसमें. कभी वो बढ़ेगा देन कभी वो घटेगा, ठीक है. तो किसी भी चीज़ को जब हम विस्कोसिटी उसकी बार बार चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस केस में जो उसका ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा देखिए कैसे बनेगा, ठीक है. जो उसका रिमोग्राफ में जो कर्व जो बनता है, ठीक है, वो ओरिजिन से तो स्टार्ट होता है, ठीक है. तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ओके. बट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये न्यूटेनियन फ्लूइड्स है, ठीक है. क्योंकि न्यूटेनियन फ्लूइड्स का क्या होता है कि वो ओरिजिन से तो स्टार्ट होती है बट एक कॉन्स्टेंटली वो आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है. जो उसका विस्कोसिटी है वो कॉन्स्टेंट आगे बढ़ती है, ठीक है. कॉन्स्टेंट, ठीक है. इसमें जो रेट ऑफ शेयर है और शेयर स्ट्रेस है वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है. एक साथ ही वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. पर इसके केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है. इसी केस में क्या होता है, जो रेट ऑफ शेयर है, ठीक है, वो कभी जो रेट ऑफ शेयर और शेयर स्ट्रेस है, ठीक है, जब हम जैसे ही हम फोर्स बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, ठीक है. वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और धीरे से ऊपर जाएगा, ठीक है. तो इसके जो ऊपर जाने का जो प्रोसेस है ये हमारा प्लास्टिक फ्लो की तरह है, इसलिए इसको बोला जाता है शुडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है. तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर नहीं है, देखिए, ठीक है. तो ये हो गया आपका नॉन लीनियर ग्राफ, ठीक है. और देन इसकी जो विस्कोसिटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, एक सीध में नहीं है, ठीक है. जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितना और उतना ही शेयर स्ट्रेस लग रहा है तो वो कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है. तो ये विस्कोसिटी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, ओके. नेक्स्ट जो इसकी विस्कोसिटी है वो जितना हम रेट ऑफ शेयर लगा रहे हैं उतना ही वो विस्कोसिटी जो है उसकी, जितना ज़्यादा हम उसमें रेट ऑफ शेयर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा गाढ़ा होते जा रहा है, ठीक है. तो उतना ही ज़्यादा पतला थिन और थिक दोनों होते जा रहे हैं, ठीक है. तो हम बोल नहीं सकते हैं कि वो कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है. हम बोल नहीं सकते कि वो एक रेट से बढ़ रहा है, ठीक है. तो विस्कोसिटी जो है वो वन अपॉन रेट ऑफ शेयर हो गई, ठीक है. यानी कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना विस्कोसिटी जो है वो घट जाएगी, ठीक है. और जितना ज़्यादा कम फोर्स लगाएंगे उतना विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है. यानी कि जस्ट अपोजिट रहेगी, ठीक है. अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है. अगर रेट ऑफ शेयर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है. तो वैसे ही अगर इसका मैकेनिज्म हम देखें, ठीक है, तो ये हमारे जो इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, ठीक है. इसका जो मैकेनिज्म है उसमें हम जो एग्जाम्पल्स इसके आएंगे, जितने भी हमारे गम्स होते हैं, ठीक है, गम्स होते हैं, बोन गम्स, ठीक है. तो वो गम का काम क्या होता है, वेटिंग करना, ठीक है. वेटिंग एजेंट होते हैं गम्स जो है. तो सॉल्यूशन ऑफ गम्स, ठीक है, ट्रैगाकैन इन वाटर, ठीक है. ट्रैगाकैन हो गए,
हैलोजिनेट हो गए, ठीक है, पॉलीमर्स हो गए हमारे, ठीक है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सीएमसी हैं, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज इन वाटर है, ठीक है। तो इन सभी का जो सॉल्यूशन जब बनता है, ठीक है, तो वो जितने ब्रांचेस वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, उनमें ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर है, वाटर इज बॉन्डेड, ठीक है, एट रेस्ट, ठीक है, बॉन्ड है, जैसे ही हम शेयर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड सारे खुल जाते हैं, ये पार्टिकल जो ब्रांचेस जो है वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है, ब्रांचेस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, शेयर, ठीक है। इसको एक नॉर्मल हम समझ सकते हैं, अगर एक बाल्टी में आप पानी लीजिए, ठीक है, उसमें आप आपका जो गम है वो डाल दीजिए, गम जेलिंग एजेंट जो भी, ठीक है, सब्सटेंसेस आप डालना है, ब्रांचेस वो डालने के बाद जब आप उसको विस्कोस कर उसको स्टेयर करना चालू कीजिए, फोर्स लगाइए, ठीक है, वो क्या आपको धीरे 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 बढ़ा होना स्टार्ट हो जाए, विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका डायलेट्स, सॉरी, ये जो विस्कोसिटी है वो बढ़ते चले जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। और इसमें जो आपका रेट है, ठीक है, जितने पॉलीमर के डिस्पर्शन्स होंगे, ठीक है, वो इसी में ही आपके आएंगे, ठीक है, पॉलीमर के डिस्पर्शन्स आएंगे, ठीक है। और जो पॉलीमर है रैंडम वाटर के साथ बॉन्ड है, ठीक है, एड्रेस्ट में अरेंज है, डिस्पर्स सिस्टम है, ठीक है, जैसे ही हम इसमें शेयर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये पॉलीमर्स क्या होते हैं, वाटर से रिलीज हो जाते हैं और फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स याद रखिए, गम्स होते हैं, ठीक है, ट्रैगाकैन है, आपके जितने भी गम्स होंगे वो सारे गम्स इसमें आएंगे, ठीक है, पॉलीमर्स आएंगे, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। उसके बाद सीएमसी, ठीक है, मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। इसके रिबोग्राम के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है, इसके जो कर्व है दे आर फास्ट फॉर द ओरिजिन, ठीक है, द कर्व इज बिगनिंग एट द ओरिजिन एज द ओरिजिन बट इंक्रीज द फोर्स, ठीक है, इंक्रीज जब फोर्स जब इंक्रीज होता है, ये ठीक है, जब फोर्स इंक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली शेयर रेट इज ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, शेयर रेट इज ऑल्सो इंक्रीज बट द ट्रेंड इज नॉट लीनियर, ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड इसका बनता है कि जो रिलोग्राम बनता है वो लीनियर नहीं होगा, ठीक है, ये लीनियर नहीं होगा, ठीक है, दिस इज अस्यूडो प्लास्टिक फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायलेटेंस फ्लो, ठीक है। अब डायलेटेंस फ्लो जो है ऐसा समझिए आप, ये जो डायलेटेंस फ्लो है ये हमको जनरली देखने को मिलता है जब हम जो हमारा डीप फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन है, ठीक है, हम जानते ही हैं फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन टू टाइप के, डीप फ्लॉक्युलेटेड एंड फ्लॉक्युलेटेड, ठीक है। तो जो फ्लॉक्युलेटेड होता है, ठीक है, उसमें रेट ऑफ डिस्पर्शन जो है जल्दी होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो डीप फ्लॉक्युलेटेड है, ठीक है, उसमें रेट ऑफ डिस्पर्शन जो है, सॉरी, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो स्लो होता है, बट अगर एक बार सेडिमेंट हो गए पार्टिकल्स तो हमको उसको वापस से रिडिस्पर्स करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डीप फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन, ठीक है। तो डीप फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन में जो डायलेटेंट फ्लो है वो होता है, तो जब डिस्पर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके बाद में जब वो सेडिमेंट होते हैं तो जो हार्ड केक बनता है, ठीक है, तो वो जो सिस्टम यहाँ पर बनता है वो होता है डायलेटेंट फ्लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि रेट ऑफ शेयर जो है वो रेट ऑफ शेयर जो है इंक्रीज विस्कोसिटी, ठीक है, लगातार इंक्रीज विस्कोसिटी के बराबर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। जैसे कि आप देखें डायरेक्ट फ्लो, ठीक है, डायरेक्ट फ्लो में द देखिए जैसे कि कोई चीज़ अगर गाड़ी है, ठीक है, अगर आप उसमें जो पेंसिल सस्पेंशन के आप जैसे उदाहरण देख लें, ठीक है, ये हो गया। इसमें जो आपका जो रेंज है वो डीप फ्लॉक्युलेटेड सिस्टम में मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% अगर इसमें है
ये शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये फोर्स बढ़ता है, ठीक है, वैसे ही इंक्रीज द विस्कोसिटी, ठीक है, इंक्रीज होती है विस्कोसिटी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक है। इसमें जैसे ही जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ता है वैसे ही इंक्रीज होता चला जाता है हमारा विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, ठीक है, जब आप स्टार्च लेते हैं, ठीक है, स्टार्च को आप वाटर में डिजोल्व करिए, तुरंत वो नीचे आके सेटल हो जाता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन रेट इज वेरी हाई, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल में लिख सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर, केओलिन 12% इन वाटर, जिंक ऑक्साइड 30% इन वाटर, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम में लिखे हैं, ठीक है। इसके जो मैकेनिज्म अगर हम देखें, ठीक है, मैकेनिज्म में डायलेट्स एट रेस्ट क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल, मिनिमम वॉइड वॉल्यूम, सफिशियंट वेहीकल, लो कंसिस्टेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए जो मॉलिक्यूल हैं वो एकदम बॉन्डेड हैं, ठीक है, क्लोज पैकिंग है उसमें, ठीक है, और कोई वॉइड वॉल्यूम नहीं है, कोई खाली जगह नहीं है वहाँ पे, ठीक है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत लो है, ठीक है। अब जब इसमें शेयर अप्लाई होता है, ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ओपन पैक्ड हो जाएंगे, ठीक है, हाई वॉइड वॉल्यूम, देखिए इसके बीच में जो खाली जगह है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हाई वॉइड वॉल्यूम, ठीक है, वॉइड वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, ठीक है, खाली जगह जो है वो बढ़ गया। नेक्स्ट जो इसकी कंसिस्टेंसी थी वो हाई कंसिस्टेंसी हो गई है, ठीक है, और इनसफिशियंट व्हीकल, ठीक है, जो व्हीकल जो सिस्टम में जो व्हीकल था वो इनसफिशियंट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आप सभी जो ग्राफ हैं, ठीक है, शुडो प्लास्टिक फ्लो का जस्ट अपोजिट ग्राफ उसमें बनेगा डायलेंट्स फ्लो में, ठीक है। तो ये सभी ग्राफ जो है ये आप याद रखेंगे विथ एग्जाम्पल विथ मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थिक्सोट्रॉपीज, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी जो है तो देखिए जो थिक्सोट्रॉपी होती है, ठीक है, थिक्सोट्रॉपी इज कॉल्ड शेयर थिनिंग सिस्टम, ठीक है, शेयर थिनिंग सिस्टम होता है, ठीक है। जितने भी ऑल गम्स आते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम्पल में सारे शेयर थिनिंग सिस्टम, ठीक है। जस्ट पहले अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि डायलेंट्स फ्लो, ठीक है, डायलेंट्स फ्लो में जो जो सिस्टम है, ठीक है, डायलेंट्स फ्लो, तो डायलेंट्स दिस इज अ शेयर थिनिंग सिस्टम, ठीक है, सॉरी थिकनिंग सिस्टम, ठीक है। डायलेंट्स फ्लो को हम क्या कहते हैं, डायलेंट्स फ्लो को कॉल्ड शेयर थिकनिंग सिस्टम, ठीक है, शेयर थिकनिंग सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं दिस इंक्रीज देयर वॉल्यूम इन हैंस, हैंस कॉल्ड डायलेंट्स, ठीक है, डायलेंट्स जो हमारे बल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, डायलेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही डायलेंट्स फ्लो में, ठीक है, डायलेंट्स मटेरियल कॉल्ड शेयर थिकनिंग सिस्टम, ठीक है, और कॉल्ड डायलेंट्स फ्लो, ये हो गया। तो वैसे ही हम थिक्सोट्रॉपी में देखेंगे तो ये क्या कहलाता है, शेयर थिनिंग सिस्टम, ठीक है, इसमें वो थिकनिंग था और ये थिनिंग सिस्टम, ठीक है। थिक्सोट्रॉपी आर सिस्टम कॉल्ड शेयर थिनिंग सिस्टम, ठीक है, इसको हम बोलेंगे शेयर थिनिंग सिस्टम, ठीक है, शेयर थिनिंग सिस्टम, ठीक है। तो थिक्सोट्रॉपी इज डिफाइंड एज आइसोथर्मल एंड कंपैरेटिवली स्लो रिकवरी प्रोसेस, ठीक है, इसको स्लो रिकवरी ऑफ मटेरियल क्यों कहा जाता है, मैं भी आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है। इसको बोला जाता है आइसोथर्मल स्लो रिकवरी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और थिक्सोट्रॉपी फ्लूइड डिक्रीजेस इन विस्कोसिटी एज द अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, एज द अमाउंट ऑफ टाइम में क्या होता है कि विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। अब इसको जितने भी हमारे नॉन
डिपेंडेंट. ओके दिस इज फॉर टाइम डिपेंडेंट. ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे उनके जो चेंजेस आएंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा ठीक है प्लास्टिक में, डायलैंड में, शुडो प्लास्टिक फ्लो में, कि जैसे जैसे हम फ्लो शेयर अप्लाई करते हैं उसी के हिसाब से हमारा जो रेट ऑफ शेयर है वो शेयर स्ट्रेस है वो बढ़ता है, और हमारा जो कर्व है, जो हमारा प्रोडक्ट में जो चेंजेस आते हैं वो हमने कर्व के थ्रू पढ़ा. ठीक है, तो अलग अलग हमने कर्व पढ़े प्लास्टिक फ्लो में, स्यूडो प्लास्टिक में एंड डायलैंड्स में. ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर हम जो रेट फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो हमारा ग्राफ बना है ठीक है फिर क्या होता है अगर हम वो फोर्स अब वापस छोड़ देते हैं. ठीक है, अगर रिमूव कर दें हम फोर्स को तो क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आएंगे वो हमको देखने हैं. ठीक है, अगर हम स्ट्रेस जो है उसको रिमूव कर दें तो क्या होगा, फ्रीक्वेंटली डिस्प्लेस हो जाएंगे लेफ्ट साइड ऑफ अप कर. ठीक है, इसमें अप कर डाउन कर क्या है ये हम आगे देखते हैं. ठीक है, तो फोर्स जो है एक्सोट्रॉपिक फ्लूइड डिक्रीजेस द विस्कोसिटी एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अ फोर्स हैज बीन अप्लाइड इंक्रीजेस. ठीक है, जिससे हम फोर्स इंक्रीज करते हैं हमारी जो विस्कोसिटी है वो और डिक्रीज होता चला जाएगा. ठीक है, सो एक्सोट्रॉपी इज एक्सप्लेन. देखिए जैसे कि हमने हमारा जो नॉर्मल जो ग्राफ था, चलिए अगर हम शुडो प्लास्टिक चलिए डायलैंड फ्लो का एग्जाम्पल लें. ठीक है, तो डायलैंड फ्लो में हमारा जो ग्राफ था इस तरीके से बना था. ठीक है, रेट ऑफ शेयर जो है वो हम इंक्रीज किए तो वैसे ही हमारा जो शेयर रेट शेयर स्ट्रेस है वो भी इंक्रीज हुआ. वैसे तो जो ग्राफ मिला हमको ठीक है वो इस तरीके से ग्राफ मिला. ठीक है, वो नॉन लिनियर था बट वो बढ़ रहा था. ठीक है, फिर जैसे ही हमने रिमूव कर दिया स्ट्रेस को हम अगर रिमूव करते हैं ठीक है और फोर्स को हटा देते हैं ठीक है तो ये क्या हुआ धीरे धीरे टाइम के हिसाब से ठीक है फास्ट तुरंत ही नहीं हो जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता चला जाएगा ठीक है जैसे कि हम फोर्स अप्लाई जो किए थे वो हम रिमूव करते हैं स्ट्रेस को रिमूव करते हैं फिर क्या होगा वो धीरे से लेफ्ट साइड से जो कर्व बनेगा वो रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, जो हमारा ये जो अप कर्व था ठीक है अप कर्व ये डाउन कर्व में बदल जाएगा. ठीक है, अप कर्व बना था ये ठीक है ये जो ऊपर की ओर जा रहा था दिस इज अप कर्व. ठीक है, फिर ये क्या होगा लेफ्ट साइड से डाउन कर्व में चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब अगर किसी सिस्टम में इंक्रीज हो रही है विस्कोसिटी तो वो क्या होगी जस्ट अपोजिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अगर किसी में डिक्रीज हो रही है विस्कोसिटी तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, रिमूव द शेयर यदि हम स्ट्रेस हटा लेते हैं रिमूव कर देते हैं शेयर तो वो जो कर्व है वो अपोजिट होना चाहिए. ठीक है, तो इसी की स्टडी हम कर रही है तो वो कहलाएगा एक्सोट्रॉपी. ठीक है, तो अप्लाई जब शेयर करते हैं स्ट्रेस करते हैं तो अप कर्व बनता है. देन अगर हम रिमूव कर देते हैं ठीक है रिवर्स हो जाएगा ये सिस्टम पूरा का पूरा. ठीक है, तो अप कर्व की जगह ये डाउन कर्व हो जाएगा, इंक्रीज की जगह ये डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, थिक्सोट्रॉपी इज अ कंडीशन ऑफ लिक्विड इन विच आफ्टर रिमूविंग ठीक है आफ्टर रिमूविंग द शेयर स्ट्रेस the liquid convert back in the real state or previous state. ठीक है, called thixotropy. ठीक है, this is the definition of